130 किलोमीटर पर्यंत बढ़ी पारे। कविता स्वयं प्रतिनिधि जोड़ी होती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र रु। कविता वर्तमान जो भली भाव आसुची अपडेट आसुची जे आउ केते समय लागिबो एक्जेक्टली स्थलभाग स्पर्श करिबा पई निहत भाव में जदि कहपर कि अति भीषण सामुद्रिक रूप नहीं बर्तमान धामरा ठार 40 किलोमीटर दूर रही बात्याय सहित जो कह जो दीघा एवं बालेश्वर ठार 90 किलोमीटर दूर रही से संपर्क में अधिक अपडेट आम सहित पाणीपाग विशेषज्ञ उमा शंकर दास रही सहित संपूर्ण आलोचना करवा सर कौन कह चाहिए बर्तमान स्थिति कौन रही अपडेट बर्तमान कौन आस जो धामरु आपर पूर्व दिगरे पाखापाखि 40 किलोमीटर दूर रोज एवं जब देखा बाले जो बालेश्वर ठार् दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे पाखापाखि 80 किलोमीटर दूर अच्छे लास्ट जो 6 घंटे आम जो देखु तार उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर जो बेग रही 15 किलोमीटर बेग रोचे तेणु अनुमान कर 26 तारीख अर्थ आज मध्यान समय आपर जो रोच उत्तर जो ओडिशार उपकूल जोटा कि बालेश्वर दक्षिण को जो धामरार उत्तर को यह कौटी भी तलभाग छुईबार संभावना रोचे सर जो कहुला कि सका समय भोर समय ही लैंडफल कर डिले जब कह पार तार कौन बर्तमान अपडेट से आम तो आईएमडी तरफ गत काली भी जारी कर सूचना कि मध्यान समय ही बात्यटी आप लैंड छुईबार प्रक्रिया आरंभ हो तेणु आम से स्टेटमेंट ही बलवत्तर रही तेणु सेमी किसी परिवर्तन है कि पवन रेग जोटा कहला से लैंडफल समय आपर पवन रेग 130-140 झटका पवन 155 किलोमीटर पर्यटन रोबार संभावना सर जब कह लैंडफल पर्टिकुलर कौ जगार हम से किसी तथ्य आसला कि देखो लैंडफल जेहतु आई गोटे रोचे बात्यार तेणु आईटा हूँ आप 25-30 किलोमीटर मध्य रोचे डिस्टान्स तेणु से लैंडफल जो एक्जाक्ट लोकेसन कहटा कष्ट तेना आम गोटे रेज दि जाए से दिया हूँ कि बालेश्वर दक्षिण और धामरार उत्तर मध्य कौटी लैंडफल कर संभावना रोचे जेहेतु वर्षा पवन लग रही आ लैंडफल समय के पवन रखापाखी एरिया कौन के मात्र क्षय क्षति हम आकलन कर क्षय क्षति तो निश्चय हम कारण पवन जो 130-140 झटका पवन 155 पर्यंत रोचे और ता छा जब देखिए आम वर्षा लग रही खास करके आम चांदवाली गत काली 8:30 ठार् आज सका 7:30 मध्य 273 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर देखिए आपर पारादीप ठार 191 मिलीमीटर तेणु यही सब जगह आप अति प्रबल वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर पाखापाखि वर्षा रेकर्ड होती पवन बर्तमान जो लैंडफल प्रक्रिया आरंभ पवन धीरे धीरे वृद्धि हे बालेश्वर जो दक्षिण को आम आकलन कर लैंडफल हमारे से पवन धीरे धीरे गत घंटे आपापाखि 80 किलोमीटर पर्यटन पवन रोचे अनुमान कर बर्तमान जो धीरे धीरे आहरी बालेश्वर निकटवर्ती हम पवन वेग मत आदि हमारे संभावना स्थिति कौन र देखो आम ट्विन सिटी तो आम भुवनेश्वर कटक ऑरेंज वार्निंग जारी कर आज कितना आम ऑरेंज वार्निंग ना कटक जदि रेड वार्निंग अच्छी तो भुवनेश्वर पर आपको येलो वार्निंग अच्छी तेनाली प्रबल वर्षा केतक स्थान में आज संभावना रोचे कि लैंडफल समय किसी पवन यार अनुभूत होवार संभावना रोचे सर जब कह कि जो आई रही बात्यार जो आई रही व्यासधे किसी परिवर्तन आसब कि सेमती कौन से सूचना नहीं कारण आम जहाँ काली भी थी आपने 30-35 किलोमीटर रोचे तार जो व्यासर जो दर्घ्य रोचे तेणु सेमती कौन से सूचना नहीं कि आईर जो डिस्टेंस रोचे से कम बेसी हमारे कौन से सूचना नहीं सर का जो धामरा को दि जाइए पोर्ट वार्निंग दी 10 पुरी को 8 आ गोपालपुर को 3 दि जाइए आज किसी पर परिवर्तन जेहतु बर्तमान बात्याटी आप्रोच करुच्ची तेणु आपर पारादीप आ धामरा ये सर्वाधिक क्षय क्षति होवार संभावना अच्छी तेणु आम डेंजर वार्निंग सिग्नल विपद संकेत 10 रखा जाए जोटा कि हाएस्ट रोचे तापर आपर जब देखिए आपापाखि आम जो पुरी रोचे से आपर विपद संकेत 8 और गोपालपुर विपद संकेत 3 रही है सहीटा ही बलवत्तर रही है सो कौन परिवर्तन ना सर आम पर्टिकुलर टाइम कहीपर कि कौ टाइम लैंडफल कर देखो लैंडफल प्रक्रिया हूँ आप 2-4 घंटा पर्यटन रही है तेणु आम अनुमान कर मध्यान समय आपर आरंभ हम और आरंभ तो 2-4 घंटा पर्यटन ये प्रक्रिया जारी रही संभावना रोचे सर लैंडफल करार के समय करते समय गुरुत्वपूर्ण साधारण भाव में 6 घंटा पूर्व 6 घंटा पर रही है कि सबुठ अधिक क्षय क्षति जो 4 घंटा मध्य लैंडफल प्रक्रिया जो 4 घंटा रही है ताद सर्वाधिक क्षय क्षति होता है और आम पवन आकलन से समय आप 130-140 झटका पवन 155 तापर देखिए जुआर कथ भी कहुए भद्रक मोहनपुर पाखे आम पाखापाखि जो जुआर पाखापाखि 3.8 मीटर पर्यटन उठबार अच्छे और स्थल भाग यह 9 किलोमीटर पर्यटन माड़ आसवर संभावना रोचे
ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କି ଧାମରାଠାରେ ଧାମରାର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ମାଡ଼ବାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁମ୍ବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପବନ ରହିବ 130-140 ଆଉ ଝଟକା ପବନ 155 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା। କବିତା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପବନର ବେଗ ଯଦିଓ କମିଛି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଭୀଷଣତା ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ର ଭୀଷଣତା ସେଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ପବନର ବେଗ କିନ୍ତୁ 155 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସ୍ଥଳଭାଗ କେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆଖି ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ତା'ର ବ୍ୟାସ ବା ତା'ର ଚଉଡ଼ା ଯାହା ଯେହେତୁ 20-30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏବେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଧାମରାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି।